हजारीबाग के करजन ग्राउंड में बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता की तरफ से कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए और भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता और सांसद मनीष जायसवाल ने इस महोत्सव में शामिल लोगों के साथ भरपूर आनंद लिया। इस महोत्सव में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेताओं के लिए पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता ने हजारीबाग के लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जिसमें लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और हजारीबाग में कर्मा महोत्सव की एक अलग ही पहचान है, इसका एक अलग ही महत्व है। उन्होंने ये भी अपील की कि ऐसा आयोजन हर साल होता रहना चाहिए। बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता ने मौके पर कहा कि हिंदू संस्कृति एक बहुत बड़ी संस्कृति है तथा उसे संजो कर रखने के लिए ऐसे आयोजनों का होता रहना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इस धरती के लिए आज पावन दिन हुआ कि आज हम लोग इतने सारे लोग एकत्र होके कर्मा पूजा का उत्सव मना रहे हैं। और ये सबसे पहले पहल इसलिए की गई है कि हमारा, जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति बहुत ही रिच संस्कृति है और इसको सजो के रखने के लिए ये कर्मा का उत्सव मना रहे हैं। और इसमें सभी लोग, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोग एकत्र होके एक साथ उत्सव के रंग में रंगे हुए हैं। देखिए, हजारीबाग में कर्मा पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और कर्मा को मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर इस जिला में उपस्थित हैं। शेफाली जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को ताकि वो यहाँ पर आ सकें और तरह तरह का कंपटीशन, बहुत तरीके का कंपटीशन का भी आयोजन है। तो जो लोकल जो कलाकार हैं, आप देख सकते हैं कितना उत्साह के साथ में वो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये पहली बार ये जो है एक प्रतियोगिता के रूप में जो है इसका यहाँ पर ये क्या आयोजन किया जा रहा है, तो हम लोग इनको बहुत धन्यवाद देंगे कि आगे भी ये इस तरीके का काम करते रहें और साथ साथ लोगों से भी जो है ये करेंगे कि अपनी जो कला है, अपनी जो संस्कृति है, उसके साथ जुड़ के रहने में ही फायदा है। हम लोग वेस्ट की तरफ देखते हैं, विदेशी देशों की तरफ देखते हैं और वहाँ का कल्चर जो अडॉप्ट करते हैं उससे बहुत बड़ा हमारा अपना जो संस्कृति है वो उससे भी समृद्ध है, उससे भी रिच है। तो हमको जो अपनी संस्कृति है उसमें हर काम को आगे बढ़ना, बढ़ावा देना चाहिए, हर काम को करना चाहिए। ये 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।